मैं तो नंगे पैर चल के आई हूँ, फिर आपने मेरे कदमों की आहट कैसे सुन ली? क्योंकि सच्चाई ये है बेगम साहिबा कि आपने मुझे आते हुए सुना नहीं, आपने मुझे आते हुए देखा। आपकी अम्मी देख सकती है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता। बहुत सफाई से छुपाई गई आपसे हर एक बात। सनम ने बहुत बार कोशिश की आपको सच्चाई बताने की, लेकिन अफसोस आपने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। अब प्लीज मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैं सहर, सनम की जुड़वा बहन, मैं आपके घर पे चोरी करने आई, क्योंकि तब तक मैं नहीं जानती थी कि सनम मेरी जुड़वा बहन है। मुझे लगता था ये मेरी हमशक्ल है, और मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इस घर में आई। उसके बाद ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में आपको कोई खबर नहीं। इस घर में आपके और सनम के कितने दुश्मन थे आपको कभी पता ही नहीं चला। याद है कोहिनूर होटल की पार्टी, जिस पार्टी के बाद आपको अचानक से लगा कि आपकी बीवी सनम बदल गई? मेरी जिंदगी तुम्हारे होठों से शुरू होती है और तुम्हारी मुस्कुराहट पर ही खत्म हो जाती है। मुझे लड्डू बनाने, मैं चलती। ये सनम को हो क्या गया? जब से वो कोहिनूर होटल की पार्टी से आई है तभी से बहुत ही अजीब अजीब बातें करने लगी है। सनम बदली नहीं थी, क्योंकि वो सनम थी ही नहीं, वो मैं थी, जिसे सनम बनाकर आपके सामने खड़ा कर दिया गया था। बोलो कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख दूंगी तुम्हें तुम्हारे इस काम के। कैसे अजीब से घर में लाके छोड़ दिया मुझे। यहाँ पे हर किसी का कोई ना कोई पुर्जा ढीला है। तुम्हें कौन सा यहाँ घर बसाना है? अपना काम करो और चलती बनो। और मैं चाह के भी आपकी बीवी होने का नाटक नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से रेहान थी। बहुत मोहब्बत करती थी मैं रेहान से। तुम जिस इंसान से शादी करोगे वो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। ये इस नए सफर की शुरुआत के लिए। और अगर आज रेहान यहां होते ना, तो हम दोनों में से किसी को भी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेहान को सारी सच्चाई मालूम थी। मेरे बारे में भी रेहान ने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो आपसे बात ही नहीं कर पाए। आहिल बेटा, तुम इन दोनों बहनों की बातों में बिल्कुल मत आना। पता नहीं ये दोनों बहनें क्या नई चाल चल रही है। ये दोनों अच्छी तरीके से जानती हैं कि तुम्हारे दिल में रेहान के लिए कितनी मोहब्बत है, इसीलिए बार बार रेहान का नाम ले रही। किस्मत ने तो वैसे ही हमारी आंखें छीन ली, अब ये दोनों हमें आंख वाला बताकर हमारे साथ मजाक कर रही। पता नहीं ये सब क्यों कर रही है ये दोनों। अम्मी, मैं रेहान से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ। इज्जत करता हूँ मैं आपकी, इबादत करता हूँ, और आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी कहे मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। शुक्रिया अल्लाह का कि आज भी तुम्हें हमारे खिलाफ कोई नहीं भड़का सकता। आहिल, खुदा के लिए एक बार चल के अपने अब्बू को अपनी आंखों से देख लीजिए, आपको मेरी हर बात पे यकीन हो जाएगा। मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया, अब मैं सिर्फ अम्मी की बात ही मानूंगा। अम्मी, आपने कहा था कि आप सनम की अम्मी अब्बू को नहीं जानते। चलो मैंने ये बात मान ली। आपने ये भी कहा था कि ये दोनों बहनें मेरे पैसों के पीछे पड़ी, कोई साजिश रच रही मुझे फंसाने के लिए। मैंने ये बात भी मान ली। शुक्रिया अल्लाह का कि आज भी तुम्हें हमारे खिलाफ कोई नहीं भड़का सकता। लेकिन अम्मी, मैं अपनी आंखों का क्या करूं? आपने कहा था कि आप यहाँ आई क्योंकि लतीफ ने आपको बताया था कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैंने आपके टूटी हुई सैंडल की सोल यहाँ आपके आने से पहले ही देखी। वो यहाँ कैसे आई?
जब मैं यहाँ पहली बार आया था अम्मी, ना आप थी ना आपकी गाड़ी, तो फिर ये सैंडल का सोल कहां से आया अम्मी? अम्मी आज मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि जिस इंसान की जुबान से निकला वो हर लफ्ज मैं खुदा का फरमान मानता था, आज उसी जुबान से मुझे झूठ सुनाई दे रहा है। मैं सनम के साथ जा रहा हूं मैं, और आज पहली बार एक बेटा दुआ करेगा कि उसके अब्बू जिंदा ना हो। क्योंकि अगर मेरे अब्बू जिंदा है इसका मतलब सनम जो कुछ भी कहा वो सच है। आइए और अपनी आंखों से सारी सच्चाई देख लीजिए, आइए चलो सर। आहिल बेटा, तुम्हें हमसे ज्यादा अपनी बीवी पे भरोसा है ना, तो ठीक है चलो हम खुद तुम्हें तहखाने तक ले चलते हैं। चलो जहां हो वही खड़े रहना, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। दौलत शोहरत जान जो कुछ चाहिए था हम भी एक बार मांग कर तो देखा होता। बाखुदा अम्मी आपका बेटा आपके एक इशारे पर अपना सिर काट कर आपके कदमों पर रख देता, सिर्फ एक बार इशारे तो किया होता अम्मी। घबराने का नहीं है सनम, अपने आप को संभालो, यहां से निकलने का रास्ता देखो तो। जो कैसे निकलेंगे यहां से? तन्वी उसे जाने दो, खुदा के लिए उसे जाने दो। बेटा क्या किया तुमने? आए बेटा
की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमें दो, हमें दो। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया ना, लेकिन तुम डरो नहीं, उसका सारा इल्जाम हम ले लेंगे। एक मिनट, फोन टूटा है ये तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, तनवीर ये बात नहीं जानती। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी भूल से तुझे इतनी तकलीफ हो रही है। कभी कभी इंसान की एक भूल उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल तनवीर थी। मैं तो तेरे लिए माल आने गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं एक जहरीली नागिन को घर ले आऊंगा। कौन है आप? क्या वही औरत जिसने बचपन में मुझे एक बेटे से भी ज्यादा मेरी परवरिश की थी, मुझे हर कदम संभाला, मेरा साथ दे, सही रास्ता दिखाया, मुझे इतना प्यार किया। प्यार? नहीं बेटा, इसको प्यार करना नहीं आता। जो औरत अपनी लालच के लिए खुद के बच्चे खा जाए। खबरदार, खबरदार जो इस सब में हमारे बच्चों को लाने की कोशिश भी की। हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं और उनकी सलामती के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं, ये हमें तुम दोनों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तो तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचो। जी में तो आता है कि तुम दोनों का काम हम एक ही बार में तमाम करते, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं नवाब साहब। आप तो जानते ही हैं नवाब साहब, हमारी तो फितरत है एक को मारकर दूसरे के दर्द का तमाशा देखने में हमें कितना मजा आता है। इसलिए नवाब साहब, अब आप दोनों तय कर लीजिए, पहले कौन मरेगा? बाप अपने बेटे को मरते हुए देखना चाहता है या फिर बेटा अपनी आंखों से अपने बाप को मरते हुए देखना चाहता है? तन्वी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे इसे बीच में क्यों ला रही हो? अगर किसी का कत्ल ही करना है तो अबू को छोड़ दीजिए, हमें तो मुझे मार दीजिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा। नहीं अबू, काश अल्लाह मियां ने मुझे पहले ही उठा दिया होता तो मुझे ये दिन देखना तो ना पड़ता। हाँ माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है बाप और बेटे के बीच में, वाह वाह वाह। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि तुम भी सुकून से नहीं रह पाओगी। हमने पुलिस को फोन कर दिया है तुम्हारे फोन से, समझी तुम? कि तुम्हारी बीवी ना कभी हार नहीं मानती, बिल्कुल अपनी अम्मी पर गई तो ठीक है ना। जैसे उसकी अम्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, वैसे तुम्हारी बीवी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बेचारी की अम्मी मरने के बाद भी हमारा कुछ नहीं कर पाई थी, तो ये तुम्हारी जो बीवी है ना वो भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हम जाते हैं, तब तक तुम्हारी बीवी को संभालते, तब तक तुम दोनों तय कर लो कि पहले कौन मरना चाहता है और एक दूसरे को अलविदा भी कह लो। Thank you.
सनम, सहर, तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। सनम, सहर, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम दोनों मौत को भले ही इंतजार करवा सकती, लेकिन मौत को टाल नहीं सकती। सुना तुमने? सनम, सहर, याद रखना, हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी छुप लो। मुझे माफ कर दीजिए अबू, बहुत गलत समझा मैंने आपको। क्या करता मैं? मैंने अपनी जिंदगी में एक अम्मी की कमी इतनी महसूस की कि जिस इंसान को आपने अम्मी बना कर ला, उनके आगे मैंने कुछ देखा ही नहीं। बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं, इस औरत के इतने सारे रूप हैं, इसका असली रूप क्या है ये कोई नहीं जानता। जब उसे मैं नहीं पहचान पाई तो तू कैसे पहचानता बेटा? बचपन में मैंने तुझे बहुत दुख दी, तनवीर के कहने पर मैंने तुझे कोड़े मारे, कमरे में बंद कर दिया। बेटा, आज अगर मुझे अपनी जान देकर भी तुझे बचाना पड़ा ना, तो समझूंगा कि मेरी ये 20 साल की कैद सफल हो गई। नहीं अबू, ऐसा मत कहिए, अल्लाह मियां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हमारे साथ लुका छुपी का खेल कर रही हो ना, खेलो, लेकिन एक बात याद रख, तुम दोनों हमारे हाथों से बचोगे नहीं। हम कहते हैं खुद ब खुद बाहर आ जाओ, वरना याद रखना हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। ये गोली क्या है? सनम, सनम तुम ठीक तो हो? अबू, अबू मैं यहां से निकलना पड़ेगा, सनम और शेर दोनों की जान खत्म। सनम, सलाम। वाह बेगम साहिबा, क्या खूब निशाना है आपका। के बच्ची ने नाक में दम कर दिया, लेकिन याद रखना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हमसे। कहां गई दोनों? आवाज़ कहाँ से आ रही है?